लुधियाना में महिला की मौत के बाद निजी अस्पताल के बाहर धरना दे रहे लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने मृतका के परिजनों पर लाठियां बरसाई। धरने पर बैठे मृतक महिला के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की मौत हुई है, जिसके लिए वे लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे। मृतक महिला के भाई ने बताया कि गत देर शाम लुधियाना के शिवपुरी इलाके की गली नंबर 1 स्थित प्रीत अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी बहन की मौत होने के बाद गुस्साए परिजनों व लोगों ने अस्पताल का घेराव किया और मौके पर धरना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उग्र भीड़ को हटाने के दौरान बल प्रयोग किया, इससे मौके पर तनाव बन गया। लोग डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। एडमिट थे, क्या कहते कि आज इनका हालत खराब हो गया है, तो एकदम लास्ट पोजीशन पे इन्होंने रेफर कर दिया। ना यहाँ से कोई एम्बुलेंस का सुविधा मिला और ना ही यहाँ से कोई इसका ना एम्बुलेंस का सुविधा मिला है और ना इसको गैस का सुविधा मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ से ऑटो से हम लोग लेके गए हैं, जाते जाते रास्ते में ही डेथ हो गया। ठीक है, तो आप किसका दोष मानते हो? ये डॉक्टर्स का दोष है ना, इन्हें या तो क्या कहते हैं कि पहले हमें जवाब देना चाहिए, या तो हमें सुविधा देना चाहिए, एम्बुलेंस का सुविधा देना चाहिए, गैस का सुविधा देना चाहिए। ये सब कोई सुविधा हमें नहीं मिला है और ना पहले हमें यहाँ से क्या कहते हैं कि रेफर किए हैं, एंड मौके पे रेफर कर दिया। ना मैं लेके जाने के लिए भी कुछ नहीं मेरे पास था, ऑटो में लेके आया हूँ फिर लेके गया। तो यहाँ पर क्या बवाल हुआ है? बवाल हमें, हम लोग को बस यही इंसाफ चाहिए। क्या हुआ है बवाल? बवाल यहाँ कुछ नहीं, बस इंसाफ चाहिए। ये लोग क्या कहते हैं, हम लोगों को पुलिस वाले धक्का मार के भगा रहे हैं। लाठी चार्ज भी हो गया? क्या जी, लाठी चार्ज। क्या हुआ? लाठी भी चार्ज हुई है। कितने लोग घायल हुए हैं आपके? काफी लोग को मार पड़े हैं, एक बंदा को तो उधर रखा है गाड़ी में, काफी लोगों को मार पड़े हैं। आपको बताते चलें कि अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे लोगों को पुलिस द्वारा हटाने के बाद पुलिस का कहर जारी रहा। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा लोगों को उनके घरों के बाहर निकालकर उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्हें अपने ही साथियों के मुंह पर चांटे मरवाए गए। पुलिस की बर्बरता को वहां पर मौजूद मीडिया कर्मी अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें भी धमकाया और कैमरे बंद करने को कहा। पुलिस का यह रूप कई बार सामने आया है, पर कैमरे में कैद पुलिस की इस बर्बरता पर पंजाब की कैप्टन सरकार क्या कार्रवाई करती है, ये देखना अब इसलिए और दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि उनकी सरकार में पुलिस लोगों के साथ पूरा इंसाफ करेगी। लुधियाना से विशाल कपूर, अलर्ट इंडिया न्यूज़, ब्यूरो रिपोर्ट।